देखो चंदन, मेला तो बहुत बढ़िया है, ठीक है जी भैया, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, पीछे पीछे आता जा रहा है, जहाँ ज्यादा भीड़ लग जा, जाम लग जा रहा है, ताकि हम हमारा इलाका नहीं नहीं खींचना डायलॉग जो मारता है, चलते हैं निकलते हैं अब यहाँ से। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भीड़ ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं, जाम लग जा रहा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा परिवारों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, यहाँ के लोगों ने, थैंक यू सो मच। ज़्यादातर लोग यहाँ पर तो बस खाली ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए आए होंगे। हमारे यहाँ जो शिवा भाई है ना, खाली देखने में अच्छा है, ये लोग ऑर्केस्ट्रा देखने आया है ना? भैया ना, ऑर्केस्ट्रा देखने आया है। क्या हाल है भाई साहब? सब बढ़िया? बिग फैन ब्रो। अरे थैंक यू ब्रदर, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। 2 hours later। नमस्कार, हम विवेक कुमार और मेरे साथ है मेरा दोस्त विशाल, वहाँ पे तैयार हो चुका है और हम लोग आज जा रहे हैं बाबूबड़ी। जैसा कि मैंने कल ही बोल दिया था कि हम लोग बाबूबड़ी आएंगे, वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे वेट भी कर रहे हैं कुछ दोस्त लोग। और देखिए मेरा चश्मा नीचे गिरा हुआ, मैं चश्मा इधर ढूंढ रहा था। हमारे यहाँ चश्मा का चलन बहुत ज़्यादा है, एक इधर है एक उधर है, तो हम लोग निकलते हैं फिलहाल यहाँ से। थोड़ा सा लेट हो चुका है क्योंकि 4 बजे का समय था और 3 हम लोग यहीं पे बजा दिए हैं, 3:30 यहीं पे बज गया है, तो यही है विशाल लगा रहे, हम लोग इसी से जाएंगे फिलहाल। ये है कलवाही का सरकारी अस्पताल। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, पहली बार मेरे लिए तो पहली बार ये इतना दूर जाना, मतलब इतना दूर का फुल ब्लॉग बनाना। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग सब आ रहे हैं, आपको मैं मिलवाऊंगा, चलिए आगे। अभी हम लोग आ गए हैं कलवाही के चौक पे। बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बाबूबड़ी, यहाँ से 4 किलोमीटर है दूर, और अभी हम लोग पिपरा घाट पे, आप लोग देख रहे हैं इसको, यही है पिपरा घाट। पिछले साल भी आया था तो पिपरा घाट पे काम जारी था और अभी भी काम जारी है यहाँ पे, मतलब कुछ अच्छा पुल बन रहा होगा। उस टाइम जब आए थे पिछले साल तो खाली बेस ही बना था, लेकिन अभी तक पुला वगैरह सब भी थोड़ा सा तैयार हो गया है, मतलब पुला तैयार नहीं हुआ लेकिन पुला का फ्रेम वगैरह सब ढल चुका है और ऊपर फ्रेम वगैरह डाल दिया गया है। अब चलिए बाबूबड़ी, फिर आपको दिखलाते हैं वहाँ का सीन क्या होता है। थोड़ा सा रास्ता तो जर्जर है, लेकिन पुल बन रहा है ना, तो ब्लेम तो फिर डाल नहीं सकते हैं सरकार पे। यहाँ पे आगे रुकते हैं कहीं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो भी कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है पहले आगे चलते हैं, उधर से आते हैं थोड़ी देर में आएंगे। हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे, लोग बड़ा लेट से आया है, बहुत सॉरी। नहीं सॉरी नहीं बोलने का जरूरत है, 1 घंटा लेट हुआ है। और इधर है हमारा शिवा भाई, क्या हाल है शिवा? मेरा भी बढ़िया, क्या है नारायण भाई? बहुत अच्छा, बढ़नी भैया। और आपका नाम? राहुल। राहुल, मेरा नाम विवेक कुमार हूँ, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। हम जानते हैं, बहुत दिन से जाने से। कोई बात नहीं, चलो आप आगे चलो, इसी आप कहीं बाकी ये यहाँ पर है, हम लोगों को जो बुलाया वो यही लाया है, इसका योगदान है कि यहाँ पे बुलाने का, बाकी चलिए। वैसे तो मैं समय पे पहुंच गया था, 4 बजे ही, ठीक 4 बजे का समय दिया गया था कि हम लोग पहुंचेंगे बाबूबड़ी, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया, 1 घंटा लगा दिया ये लोग सजने में धजने में, तो 1 घंटा लेट हो चुका है अभी। बट अब हम लोग चल रहे हैं भाई, बढ़िया एकदम मस्त है। मिल जाता है फैंस तो बोलना पड़ता है, तो हम लोग भी चलेंगे सीधा, क्या नाम था, बाबूबड़ी का मेला में ही गणेश पूजा में हम लोग आए हुए हैं। लोग अभी भी नहीं आ रहा है, देख रहे हैं बहुत पीछे है, ये लोग बड़ा पीछे है, एकदम गाड़ी से एकदम हीरो बन के पूरा तैयार व्यार होके आया है सब एकदम। एक गाड़ी पे बैठा है 4 आदमी भाई, बिहार पुलिस चालान काटेगी इन लोगों का। बस हम लोग मेला में एंट्री कर रहे हैं दोस्तों, मतलब मेला में एंट्री कर चुके हैं समझिए एक तरफ से, और आगे मेला लगा हुआ है। ये देखिए चंदन एंड टीम को, चलान इन लोगों का पक्का कटेगा भाई वीडियो देखने के बाद। रास्ते का हालत तो भैया मधुबनी से तो ठीक है ठाक है, लेकिन जर्जर है, लेकिन मधुबनी का तो हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब है, तो बुरा ये तो हम नहीं करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे यहाँ के बारे में। हमें बुलाने वाला वो आगे देख रहे हैं, वो बाइक से जो जा रहा है वो गाइड कर रहा है कि भाई किधर किधर जाना है। हाँ बड़ा मशक्कत लगा यहाँ तक पहुँचने में, भैंस की यहाँ की रास्ता बुला रहा था। क्या हुआ, कैसा लगा चंदन आने में, दिक्कत हुआ ना? अरे भाई हाथ का इन लोगों का, हाथ 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 बहुत बहुत ज्यादा, लेकिन लेट लगाने में 4 बजे का था, 5 बजे हम लोग पहुँचे हैं। ठीक है तो आप अपना ये लेट वाला बोलने को विराम दीजिए। नहीं नहीं मैं तो बोलूंगा भाई, लेट किया इन लोगों के बारे में, तो जब तक बोलूंगा। एक बार हम एक्सेप्ट किए ना कि हाँ गलती हो गया, तो इस बात को आप छोड़िए और अगला। चलिए ठीक है, सामने वाले एक्सेप्ट किया तो बात खत्म करते हैं। कैसे है भाई आप लोग, आप लोगों की वजह से ही तो हम लोग हैं, आप लोग हैं तो हम लोग हैं। अरे बड़ा सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक भी था, जाम भी था, और मधुबनी में एकदम भयंकर जाम लगा हुआ था, तो बड़ा लेट से आए हम लोग। अब चलते हैं आगे, तो साथ में घूमते मेला आपका, आप लोग यही कह रहे रहने वाले प्रॉपर। चलिए अब मेला के अंदर चलते हैं, यहाँ से घुसते हैं अंदर, बाकी यहाँ पे गाड़ी लोग अंदर नहीं जा सकता, गाड़ी लोगों को मना किया गया है भाई, गाड़ी का चक्का उठ जाएगा बेकार में, जबरदस्ती मत घुसाइए।
हमारे यहाँ जो शिवा भाई है खाली देखने में अच्छा है, ये लोग ऑर्केस्ट्रा देखने आया है ना? भैया ना ना ऑर्केस्ट्रा देखने आया है। क्या हाल है भाई साहब, सब बढ़िया? बिग फैन ब्रो। अरे थैंक यू ब्रदर, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। और आपका नाम भाई? कोई बात नहीं, नहीं जानते फिर भी क्या नाम हुआ? अच्छा ठीक है, आते हैं। आपसे मिलके बहुत ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आगे से आते हैं फिर मिलते, आराम से मिलते, बाहर ही रहेंगे। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर का दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ का। तो जूता वगैरह पहले खोल ले, फिर मूर्ति का दर्शन करेंगे और बाकी बाहर चलते हैं। गाना बहुत ज्यादा बज रहा है, तो शायद कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, तो उसे ज्यादा नहीं करते, बाहर चलते हैं। कैमरा से गलती खुल गया, खराब फोटो आ गया। बाप रे, लोग पूरा बाहर में जाम लगा दिया है। हम लोग इधर अंदर में ही है, अभी तक हम लोग सही से मेला घूमे भी नहीं है, बस उधर बाहर जाम लगा हुआ है। इधर इन लोगों का खाली चंदन का क्रेज है, और क्या बोलते हैं इसको, नारायण लोगों का क्रेज है, लोग डांसर लोगों का क्रेज है। ओ नारायण भाई, हाय बोल दीजिए एक बार। यदि तुमको पैसा देंगे तो उसके बाद कोई नहीं ना आएगा? यदि कोई और आए मांगने के लिए तो क्या करेंगे हम? कोई और आएगा तो क्या करेंगे? कोई नहीं ना आएगा तुम्हारे बाद, पक्का नहीं ना आएगा। खाओ खाओ खाओ, माँ कसम खाओ कि कोई नहीं आएगा तुम्हारे बाद। तुम्हारे बाद कोई, पहले बोलो ना एक बार, तुम्हारे बाद कोई नहीं ना, और नहीं आएगा मांगने के लिए? दे देते, कोई और नहीं ना आएगा, पक्का ना? बाप रे बाप, जाओ आराम से जाओ, चले जाओ। मैंने उसे माँ कसम इसलिए खिलाया क्योंकि इन लोगों का ना एक तरफ से क्या बोलते हैं, बिजनेस होता है। ये एक गया, एक तो पैसा मिल गया तो दूसरा आता मांगने के लिए, इसलिए। बाकी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, वीडियो को पसंद करने के लिए धन्यवाद, सब चीज के लिए। ज्यादातर लोग यहाँ पर तो बस खाली ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए आए होंगे। देखा ना, तुम फिर से आ गए ना मांगने के लिए, तुम्हें नहीं देंगे अब, तुम दो बार आ गया। देखो चंदन, मेला तो बहुत बढ़िया है, ठीक है जी भैया, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जी जी, पीछे पीछे आता जा रहा है, जहाँ ज्यादा भीड़ लग जाए, जाम लग जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हम लोग थोड़ा सा अपने पहले से ये दिलाते, मतलब एडजस्ट करके लाते, कमेटी को बता करके लाते, तो शायद इतना भीड़ ना होता, उन लोग कुछ इंतजाम करता। लेकिन पब्लिक यहाँ पे अभी कंट्रोल में नहीं है, तो शायद हमारी कहीं ना कहीं गलती है। सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भीड़ ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो यहाँ से निकल रहे हैं, जाम लग जा रहा है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत प्यार दिया यहाँ के लोगों ने, थैंक यू सो मच। अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, यहाँ का जो कुछ समर्थक लोग हैं वो लोग वहाँ का साथ ही नहीं छोड़ रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी लोग रहेगा रहेगा अपना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, बार बार वहाँ से भीड़ एक बार हटा दिया गया है, लेकिन फिर वापस यहाँ पे भीड़ आके लग गया। चंदन हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है भाई? ये जो लड़का है छोड़ी बाजी के चक्कर में मतलब यहाँ पे जाम लगा दिया था अभी, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, है कि नहीं है, सच है कि नहीं है? हम लोग तो यहाँ से निकल गए क्योंकि वहाँ पे देखिए वो लोग अभी भी जाम लगा के रखा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल सा हो रहा है मेरे लिए।